दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अपने दिमाग, जो माँ के पेट में अपना जो दिमाग बनता है, पीछे की हड्डी बनती है, उसमें कहीं भी ये ऐसा विकार आ जाता है तो ये पीछे की नस खुली रह जाती है, झिल्लियाँ बाहर आ जाती हैं, बच्चे के हाथ पांव नहीं हिलते हैं और ये कई बार फटके और बच्चे को बहुत ही बड़ी समस्या होती है ये, और सोनोग्राफी में मालूम चलता है। इसको मेनिंगोसील या मेनिंगोमाइलोसील बोलते हैं। दोस्तों, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन इसका समाधान अपने को माँ के पेट में बच्चा आने से पहले करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, एक फोलिक एसिड की गोली होती है, फोलवाइट नाम से आती है, तो ये गोली अगर अपन माँ को पेट में बच्चा आने के 1-2 महीने पहले ही शुरू कर दें तो हो सकता है अपने जो आने वाला मेहमान है वो उसको मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील या इस टाइप की ये जो पीछे कुबड़ बनता है ये नहीं हो। और सोनोग्राफी से मालूम चल जाता है, कई बार बच्चे का दिमाग नहीं बना या पीठ, ये स्पाइन नहीं बना, तो इसमें फोलिक एसिड की गोली, फोलवाइट की टेबलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इस गोली, साधारण सी गोली से अपन बहुत बड़ी समस्या को बचा सकते हैं। धन्यवाद।